धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड जीसस। अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता। महिमा प्रशंसा करते हैं खुदा जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं यीशु नासरी। अस्तुति हो यीशु, महिमा करते हैं नासरी, सहायता कीजिए मेरे प्रियो। आइए हम प्रभु के दिए हुए आज की रात्रि के इस सुनहरा अवसर में, इस सुंदर शाम में, संध्या काल में प्रभु से प्रेयर करें, यानी कि प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु के अनुग्रह को पाए। पूरे दिन प्रभु संभाला, देखभाल किया, देखरेख किया। अगर आप चाहते हैं कि पूरे रात्रि भी प्रभु आपको संभाले, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे, आपके परिवारों का देखरेख करे, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु पूरे रात्रि अच्छी मीठी नींद दे, सुख शांति चैन की नींद दे, तो मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं कि रात्रि के कुछ अपन समय वक्त घड़ी प्रभु को दीजिए, यानी कि रात्रि के कुछ वक्त में, समय में, घड़ी में, पल में प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, तो प्रभु रात्रि के लिए भी आप पर अनुग्रह करेगा, अपनी दृष्टि को बनाएगा। कुछ समय प्रभु को देते हैं, पूरा समय प्रभु आपको देगा, आपके निकट रहकर आपका ख्याल रखेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अच्छी मीठी नींद चाहते हैं तो सोने से पहले प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, अच्छी मीठी नींद प्रभु आपको देगा। पूरे रात्रि आप पे अपने बिछौने में निश्चित सोएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, रोग बीमारी उत्पन्न नहीं होगा, डर भय की आत्मा आपको नहीं सताएगा, शैतान अटैक नहीं करेगा, दुष्ट करुण मनुष्य अटैक नहीं करेगा। हाँ, कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से सोएंगे, निश्चित पूरे रात्रि अपने बिछौने में सोएंगे, आपका परिवार भी, हाँ आपका परिवार भी सेफ और सुरक्षित रहेगा। आइए हम मिलकर, हाँ आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से दुआ करें, याचना करें। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे, पूरे दिन प्रभु संभाला है इसके लिए, और दिन के साथ रात्रि भी हमें दिखाया है इसके लिए। फिर आपका जो प्रॉब्लम है, समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, प्रभु को बताइए, और जो कुछ चाहिए प्रभु से मांगिए, प्रभु देगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो। लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति करते हैं। यीशु राजा, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हाँ, इस बात के लिए करते हैं कि पूरे दिन आप संभाले हैं और आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी हमें दिखाए हैं। तहे दिल से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, संपूर्ण मन से आपको धन्यवाद देते हैं। हृदय की गहराइयों से लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, तू हमें और हमारे परिवारों को सेफ और सुरक्षित रखा है, अभी तक के अपने आँखों के पुतली की नहीं संभाल करके रखा है। होने दीजिए प्रभु, आगे भी ख्याल रखिए, पूरे दिन संभाले हैं इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे रात्रि भी आप हमें संभालें, हमारा ख्याल रखें, हमारा देखभाल करें, देख रेख करें, हमें अच्छी मीठी नींद दें, सुख शांति चैन की नींद दें। इसके लिए प्रभु जी, रात्रि के इस सुनहरा अवसर में, पावन बेरा में, सुंदर शाम, सुंदर संध्या काल, हाँ इस सुंदर समय वक्त घड़ी पल में
आपके हजूरी में आए हैं, आपकी संगति में आए हैं खुदा। प्रभुता कर, प्रभुता कर, प्रभुता कर, प्रभुता कर, अनुग्रह दे। पूरे दिन के लिए तूने अनुग्रह दिया, पूरा दिन हमारे लिए अच्छा था। पूरे रात्रि के लिए भी हमें अनुग्रह चाहिए, ताकि पूरा रात्रि भी हमारे लिए अच्छा हो, आशीष का हो, सुख शांति समृद्धि का हो। अच्छे से हम सब पे हनीचित पूरे रात्रि अपने बिछौने में सोए, सहायता कीजिए खुदा, हमें अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अस्तुति हो, 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 महिमा हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं नासरे, तारीफ करते हैं नासरे, तारीफ करते हैं नासरे। हमारा अगुवाई करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। अस्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। मेरे प्रिय, कोई कैसा भी क्यों ना हो, कोई कुछ करे, लेकिन आप पे अपने अंदर चेंज को लाइए, बदलाव को लाइए। आप पे प्रभु के योग बनिए, आप भलाई के कामों को कीजिए, आप तो जीवन पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है जब आप पे, गलतियों की पुस्तक 6:7 के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, धोखा ना खाओ। क्या लिखा है? लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्या लिखा है? मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटेगा। आप अपने खेत में गेहूं को बोएंगे, धान नहीं काटेंगे, गेहूं ही काटेंगे। वैसे ही आप अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे उसी का प्रतिफल आपको मिलेगा। शरीर की अभिलाषा में जिएंगे, आगे बढ़ेंगे तो लिखा है तो विनाश की कटनी काटेंगे, और प्रभु के भय में अपने जीवन को बिताएंगे, आत्मिक के जीवन को जिएंगे, जिएंगे प्रभु के आत्मा को पा करके, आत्मिक बन करके आत्मिक जीवन को जिएंगे, आनंद जीवन की कटनी को काटेंगे। आगे क्या लिखा है? 10 के वचन को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, जहाँ तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ है, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, प्रभु को अपने सम्मुख हैं, जान करके चलने वाले हैं, प्रभु के प्रेम में हैं, प्रभु से लिपटे हैं, प्रभु के विधि नियमों को मानते हैं, प्रभु के आज्ञा को अपने हृदय में रखकर उसका पालन करते हैं, विशेष उनके साथ भलाई के कामों को करें। सबों के साथ भलाई के कामों को करना है, लेकिन साधा प्रभु के लोगों के साथ भलाई के कामों को करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 9 के वचन को पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, यानी कि भला काम करना ना छोड़े, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, ठीक समय पर आपको आशीषित करेगा, आपको जीवन देगा, आपका काम आएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में लागू कीजिए, प्रभु के योग बन जाइएगा। किसी को सुधारिए मत, बदलिए मत। कुछ लोग तो बदल जाते हैं, सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं सुधर पाते हैं। जैसे कि यहूदा इस्करियोती था, प्रभु यीशु मसीह उसको बदल नहीं पाया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बदलना ही नहीं चाहते, उनके पीछे मत पड़िए।
हालेलुया। खुद के अंदर बदलाव को लाइए, चेंज को लाइए और प्रभु में आगे बढ़िए। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो कोई सोचता है कि मेरा कुछ हानि नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, मुझे किसी प्रकार का चोट नहीं पहुंचेगा, वो अपने आप को धोखा देता है। पाप करेंगे, पाप का मजदूरी मृत्यु है। गलत करेंगे, आपके साथ गलत होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा करेंगे दूसरों के साथ वैसा ही आपके साथ भी होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो लोग तो आपके साथ वैसा नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु जरूर करेगा। हर एक के कामों का प्रतिफल हर एक को देने के लिए प्रभु के पास है और प्रभु देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन चाहते हैं तो शारीरिक अभिलाषा, हाँ शारीरिक अभिलाषा में मत फंसिए, आत्मिक बनिए, जीवन मिलेगा। और समय समय पर प्रभु के आशीष को चाहते हैं, प्रभु की सहायता मदद गाइड को चाहते हैं। आप चाहते हैं कि प्रभु आपका काम आए तो दूसरों के साथ भलाई कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है, हाँ आज की रात्रि का वचन बोलता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। सहायता कीजिए खुदा, मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं गाइड करने वाले प्रभु, धन्यवाद करते हैं। तरस खाने वाले खुदा धन्यवाद करते हैं। अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो। अनुग्रहकारी खुदा अनुग्रह कर, दयालु कृपयालु अति करुणामय। तरस खाने वाले प्रभु जी, सुदे लेने वाले प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। आज की रात्रि में जितने जन जितने लोग हमारे साथ आपको पुकार रहे हैं, प्रार्थना में शामिल हैं, वचन में शामिल हैं, स्वर्गीय पिता आपको आवाज दे रहे हैं, आपसे दुआ प्रार्थना याचना विनती कर रहे हैं, उन सबों के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे, आपका दया कृपा प्रभु तक करुणा बना रहे, वो सब प्रभु जी आपके योग बने, जीवन को पाए, वही करें जो कि आप चाहते हैं, वैसा ही बने जैसा आपको भाता है, ताकि प्रभु जी ठीक समय पर ठीक कटनी को काटें, अच्छे प्रतिफल को पाए। सहायता कीजिए लो डिसीजस, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आदर करते हैं खुदा। लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं जीवन दाता, शांति का राजकुमार, मुक्ति के दाता, धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए मेरे अब्बा, उद्धार करता प्रभु जी, सारे संकेती से उद्धार करने वाले, धन्यवाद करते हैं। सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, समस्या का समाधान करने वाले, धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा यीशु। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता, मदद कीजिए। आज की शाम में आपकी हजूरी में आए हैं और उन लोगों के लिए, हाँ उन जनों के लिए आपसे दुआ करते हैं जो कि इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, वचन में शामिल हैं। प्रभु जी उन सबों के सारे समस्या को, सारे दिक्कत परेशानी को, तकलीफ को, दुख दर्द पीड़ा रोग बीमारी को ख़त्म कर दीजिए। जो शैतान से ग्रसित है शैतान से उन्हें छुटकारा दीजिए। जो कर्ज से दबे हैं अपने उत्तम भंडार खोल करके उनके कर्ज को भर दीजिए। प्रभु अनुग्रह कर आर्थिक तंगी को दूर कर दें, मानसिक तनाव को दूर कर दें। जो डिप्रेशन में है उनको डिप्रेशन में से बाहर निकाल, किसी प्रकार के तनाव में बाहर कर, चिंतित हैं चिंता से छुटकारा दें। जिनको फालतू सोच आते हैं, जिनके दिमाग में गलत बातें चलता रहता है प्रभु, जिनके अंदर पाप की बातें, व्यभिचार की बातें चलता है प्रभु जी, प्रभु उस बातों को हमेशा हमेशा के लिए निकाल डाल। जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं प्रभु जी, उस नेगेटिव को,
पॉजिटिव में बदल दे। जो हमेशा नकारात्मक रहते हैं उनको सकारात्मक कर। अनुग्रह कर खुदा, आपकी स्तुति करते हैं। अनुग्रह का जीवन दे, सबों को शुद्ध विवेक दे, सबों के अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। सब प्रभु जी ज्योति में आए, ज्योति में चले, ताकि प्रभु सब अपने जीवन को संवारते हुए देखे, अपने फ्यूचर को उज्जवल बनते हुए देखे, अच्छा बनते हुए देखे। सहायता कीजिए माय लॉर्ड, हाँ सहायता कीजिए माय लॉर्ड। आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी तारीफ करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए यीशु जी। आपके हजूरी में आए हैं, खोई हुई खुशियाँ और आशीषें वापस कर। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते, सारे कला कलेशों से छुटकारा दे। अनुग्रह कर जो कठोर मन वाले हैं उनके मन को कोमल कर दे। जो गलत मार्गों पर चलने वाले हैं उनको वहाँ से फेर ला। जो गलत करने वाले हैं उनको चेंज कर। जो गाली गलौज मारपीट करने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, सांसारिक सॉन्ग सुनने वाले हैं, गंदी पिक्चर देखने वाले हैं, ज़्यादा मूवी देखने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, प्रभु उनको चेंज कर डाल। जो अपने परिवार के प्रति प्रभु यीशु मसीह गलत सोचते हैं, जिसके अंदर अपने परिवार के प्रति, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन के प्रति गुस्सा है, जिसके अंदर क्रोध है प्रभु से, बैर है, उस गुस्सा को, उस क्रोध बैर को उसके अंदर से निकाल दिए, उनके अंदर से निकाल दिए। इसे प्यार को दीजिए प्रभु, इज्जत मान सम्मान को दीजिए। अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा। गलत लत, संगति, आदत से, व्यवहार से एक एक को छुटकारा दे। आपकी स्तुति करते हैं पिताजी, महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, धन्यवाद कि आप हमारी सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी दिए प्रभु। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। स्तुतियों पिता, अनुग्रह कीजिए, दया कृपा प्रभुता करते से, करुणा की से लौटे से यीशुस। स्तुति करते हैं प्रभु जी, बड़ाई प्रशंसा करते हैं खुदा से, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। ए भाई, ये बहन, ए बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जो कुछ भी आपसे चाहते हैं आप देने की कृपा करें, ताकि ये लोग आनंद से भर जाए और आपकी महिमा करें। इन सबों की प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना भी से जो भी हो आपके सम्मुख रखते हैं, उतर दीजिए। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना भी से दिए हैं, उनके भी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना भी से आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, हजूरी में, संगति में लाते हैं स्वर्गीय पिता। सबों के दिए हुए भेज से भी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर दृष्टि कीजिए और उसका उत्तर सबों को दीजिए, ताकि सब आनंद से भर जाए और आपकी महिमा करें। सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे। आपकी स्तुति करते हैं पिता यीशु, काम कीजिए। इस प्रार्थना को जितने रिसीव किए हैं उन सबों के जीवन में काम कीजिए, ताकि उन सबों के जीवन से आपकी स्तुति होके, आपकी महिमा होके, प्रशंसा होके। सहायता कीजिए लॉर्ड यीशुस, जिसको जो कुछ की ज़रूरत है और आज अभी अपने मुँह को खोल करके आपसे मांग रहे हैं प्रभु जी, दीजिए स्वर्ग के पिता। मांगों को पूरा कीजिए, जरूरत को अद्भुत रीति से पूरा कीजिए, आवश्यकता को, कमी घटी को अद्भुत रीति से पूरा कीजिए। धन्यवाद कि तूने पूरा किया, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना बिनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा। कल सुबह 4 बजे के प्रार्थना और वचन में जरूर शामिल होइए। प्रभु के काम को देखना है, प्रभु के आशीष को पाना है, प्रभु के अनुग्रह को देखना है, प्रभु में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, आनंदित रहना है, हर्षित रहना है, तो प्रभु के साथ संगति बनाए रखना पड़ेगा। प्रभु के वचन को सुनते रहना पड़ेगा और उस पर चलते रहना पड़ेगा।
प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। प्रभु में बने रहिए, प्रार्थना किए से, उसके वचन को पढ़िए, सुनिए और अपने जीवन में लागू भी किए से। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।